हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिंग। आज हम बात करेंगे माइग्रेशन एंड रिमिटेंस रिपोर्ट के बारे में। तो यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, तो हाल ही में इसको जारी किया गया है। तो ये रिपोर्ट क्या देख लेते हैं। दुनिया भर के सभी देशों में भेजा जाने वाला धन 10.3% बढ़कर 689 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। जो रेमिटेंस होता है उसको कहते हैं धन प्रेषण। अगर विदेश में कोई नागरिक है, वो अपने मूल देश में कोई भी धन भेजता है, पैसे भेजते हैं किसी भी जरिए से, उसको धन प्रेषण या रेमिटेंस बोलते हैं। फिर रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करती है। तो इसका अगला पॉइंट देखते हैं। विकासशील देशों को आधिकारिक रूप से भेजा गया धन 2018 में 10.8% बढ़कर 528 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। 2017 में इसमें 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई थी। भारत इसमें फर्स्ट है, पिछली बार भी फर्स्ट था और 2016 में फर्स्ट था। इस बार भी 2018 की रिपोर्ट में भी भारत फर्स्ट रहा है, प्रथम रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रवासी भारतीयों ने 2018 में 80 अरब डॉलर भारत में भेजे हैं। इस प्रकार 2018 की इस रिपोर्ट के अनुसार धन प्रेषण, जिसको रेमिटेंस बोल रहे हैं इंग्लिश में, के मामले में भारतीय सबसे आगे हैं। 2016 में यह 62.7 अरब डॉलर था और 2017 में बढ़कर हो गया था 65.3 अरब डॉलर और 2018 में हो गया 80 अरब डॉलर। 2017 में भारत की कुल GDP में रेमिटेंस का हिस्सा 2.7% था, वो बहुत ही बड़ी मात्रा होती है। ठीक है, तो भारत के बाद चीन दूसरे नंबर पे है, जिसके नागरिकों ने 67 अरब डॉलर चीन में भेजे हैं। फर्स्ट भारत, सेकंड चीन। धन प्रेषण, जब कोई प्रवासी अपने मूल देश में बैंक, डाकघर या ऑनलाइन ट्रांसफर के द्वारा पैसा भेजता है, उसे रेमिटेंस या धन प्रेषण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी। और भारत में रेमिटेंस खाड़ी देशों में बसे भारतीयों का योगदान अधिक रहता है। ठीक है, खाड़ी देशों में बसे भारतीयों का योगदान अधिक रहता है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे विकसित देशों में काम करने वाले NRIs, ठीक है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, द्वारा भारत में अपने परिवारों को पैसा भेजा जाता है। इस प्रकार धन प्रेषण की प्राप्ति होती है, रेमिटेंस की प्राप्ति होती है। इससे अर्थव्यवस्था को फायदा है। रेमिटेंस सभी देशों के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक मुख्य जरिया होता है, खासकर भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। कृपया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।